फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड मुठिया। तो चलिए बताती हूँ फ्रेंड्स आपको कि ब्रेड मुठिया के लिए हमें क्या क्या चाहिए, और ये बहुत ही टेस्टी बनता है, तो इसे आप अपने घर पे ज़रूर बनाइएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे, और एक बाउल में हम पानी ले लेंगे, और ये पीने वाला पानी है। तो इसमें इस तरीके से हम ब्रेड को भिगो देंगे, और हाथ के मदद से इस पानी को हम निचोड़ लेंगे इस तरीके से, और इसे हम एक बाउल में रख देंगे ब्रेड को। इसी तरीके से सारे ब्रेड, हमें जितने ब्रेड का बनाना है वो सारे ब्रेड एक पानी में डुबो के ऐसे, और उसके बाद से इसका पानी हम इस तरीके से हाथों से प्रेस करके निकाल देंगे, और फिर सारे ब्रेड को हम इस तरीके से रख लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने इस 7 से 8 ब्रेड के स्लाइसेस ले लिया है, और इसी तरीके से पानी में भिगो के हमने इसका पानी निकाल लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर, और इसके अंदर मैं कम से कम 3 से 4 चम्मच मैंने ऐड किया है कॉर्नफ्लावर। और अभी उससे पहले मैं एक पैन रख लूँगी गैस पे, और उसमें मैं 2 चम्मच ऑयल डाल दूँगी, गर्म होने दूँगी ऑयल को। और इसमें थोड़ा सा मैं जीरा डाल रही हूँ, 1/2 टेबल स्पून, और इसे थोड़ा सा भुन दूँगी मैं। और भुन चुका है जीरा, अब इसके अंदर मैं एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कट करके ऐड कर रही हूँ, और इसे भी थोड़ा सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लिया है हमने। अब इसमें मैं एक हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ बारीक कटा हुआ, इसे भी थोड़ा सा मैं भून लूँगी। उसके बाद से इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मैं ऐड कर दूँगी, आप कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, और इसे भी मैं भून लूँगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अदरक लहसुन भी हमने भून लिया है, और इसके अंदर अब मैं ऐड कर दूंगी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, और गरम मसाला, चाट मसाला, और जीरा पाउडर मैं ऐड कर दूंगी, और ये इसमें नमक ऐड कर दूंगी। सारे मसाले मैं 1/4 टेबल स्पून ली हूँ, और आप चाहें तो अपनी ब्रेड के अनुसार से कम ज़्यादा कर सकते हैं मसाले, और नमक टेस्ट के अनुसार से लेना है। तो फ्रेंड्स, हमने ये 2 आलू बॉयल कर लिया है, और इसे इस तरीके से हम बारीक तोड़ लेंगे आलू को, और इसे तोड़ के मैं इसमें इसे फ्राई कर लूँगी मसालों के अंदर आलू को। आप देख सकते हैं इस तरीके से तोड़ना है, आलू को मैंने ऐड कर दिया है। और फ्रेंड्स, मैं एक कटोरी बॉयल मटर ली हूँ, उसे भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी, और इसे हम फ्राई कर लेंगे। और फ्रेंड्स, इसे चला चला के और अच्छा से मसाले में पकने तक हम इसे मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा सा मटर आलू को और प्रेस करके बारीक कर देंगे। और फ्रेंड्स, आलू और मटर बॉयल है तो इसे ज़्यादा हमें भुनने की ज़रूरत नहीं है, तो 2 से 3 मिनट तक हम मसाले के अंदर इसे पका लेंगे। और आप देख सकते हैं हमने मसाले में मटर को भी प्रेस करके अच्छा से मिक्स कर लिया है, आलू मटर और मसाले सब एक साथ हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद से हम मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी धनिया पत्ता और गरम मसाला। तो आप देख सकते हैं धनिया पत्ता और गरम मसाला मैं ऐड कर रही हूँ, और इसे मैं चला लूँगी, और इसे चला करके उसके बाद से मैं गैस को ऑफ़ कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं हमने मिक्स कर लिया है धनिया पत्ता और गरम मसाला। अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ मैदा, 2 टेबल स्पून, और उसके बाद से ये मसाले मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस मसाले को जो मैंने आलू और मटर को तैयार करी थी वो भी ब्रेड के अंदर मैंने डाल दिया है। अब इसे मैं थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा मिर्च मैं ऐड कर दूंगी, वो भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें, क्योंकि मसाले के अंदर भी नमक है और मिर्च है, तो मैं थोड़ा सा हिसाब से ऐड कर रही हूँ ताकि ज़्यादा ना हो, और आप जितना कम या ज़्यादा मिर्च खाना चाहते हैं उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, मैं हाथ के मदद से ब्रेड और सबका ऐसे डो तैयार कर लूँगी मिक्स करके। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये एक डो अच्छा से मैंने तैयार कर लिया है, और अब इसका मैं मुठिया बनाऊँगी। तो हाथों के मदद से अच्छा से इसे मिक्स कर लेना है, और इस तरीके से मैं लेके और इस तरीके से हाथों के मदद से एक सिलेंडर सा रूप दे दूँगी इसका। तो आप देख सकते हैं मुठिया तैयार हो चुका है, इस तरीके से हमें बना लेना है, और आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा इसका साइज कर सकते हैं। तो ये तैयार हो चुका है, रख लूँगी मैं प्लेट में इसे, और